यार हम सभी लोगों की थिंकिंग ये होती है कि अगर हम 20,000 से ज्यादा पैसे किसी स्मार्टफोन पर खर्च कर रहे हैं तो फिर हमें एक ऐसा स्मार्टफोन मिल जाए जो सबसे बेस्ट हो, यानी कि प्रोसेसर भी बिल्कुल तगड़े वाला हो, DSLR जैसा कैमरा हो एंड डिस्प्ले भी एकदम हाई क्वालिटी की हो। तो अगर आपको भी बिल्कुल एक ऐसा ही फोन चाहिए जिसमें सभी स्पेक्स बिल्कुल टॉप नॉच हो, तो इसके लिए आपको अपने बजट को मजबूत करना पड़ेगा। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 मोस्ट पावरफुल स्मार्टफोन अंडर 30,000 के बारे में। ये जो 30,000 का बजट होता है इसमें हमें कुछ कुछ फोन्स फ्लैगशिप लेवल की फील देते हैं, और आपको भी फ्लैगशिप लेवल की फील आएगी जब आपके 30,000 रुपए एक अच्छे स्मार्टफोन पर लग जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यार, सभी स्मार्टफोन अलग अलग लोगों के लिए बने हैं। कोई फोन लुक एंड डिजाइन के मामले में अच्छा है, तो किसी फोन की बैटरी एंड चार्जिंग अच्छी है, तो किसी फोन का कैमरा अच्छा है। ऐसे ही आज वाले स्मार्टफोन भी डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करते हैं, इसलिए मैंने इन सभी फोन्स की रैंकिंग नहीं की है। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं स्मार्टफोन की, और सबसे पहले बात करते हैं एक प्यारे से न्यू एंड लेटेस्ट स्मार्टफोन की। और ये वाला फोन स्पेशली उन यूजर्स को टारगेट करता है जिनको डिजाइन और सेल्फी के लिए एक सबसे अच्छा स्मार्टफोन लेना है 30,000 के बजट में। तब आप वीवो के न्यू स्मार्टफोन वीवो V23 5G को चेकआउट कर सकते हो। और हम सभी लोग जानते हैं कि वीवो ऑफलाइन मार्केट का एक बड़ा खिलाड़ी है, इसलिए वीवो की वी सीरीज ऑफलाइन मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होती है। और वी सीरीज का टारगेट होता है यूजर को बेस्ट डिजाइन और बेस्ट सेल्फी कैमरा प्रोवाइड कराना। और यकीन मानिए दोस्तों, फिलहाल के टाइम पर 30,000 के प्राइस में डिजाइन एंड सेल्फी कैमरा, इसकी टक्कर पर आपको किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलेगा। अब फटाफट से बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेक्स की। 6.44 इंच की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, डिस्प्ले क्वालिटी तो बेस्ट है पर डुअल कैमरे की वजह से देखने में थोड़ी आउटडेटेड लगती है, मतलब सामने से देखने पर डिस्प्ले ट्रेंड को फॉलो नहीं करती, पर इस बड़ी सी नोच के पीछे काफी कमाल का फीचर लगा है। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 का चिपसेट लगा है, और ये चिपसेट 6nm टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये फोन टोटल 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है। भाई परफॉर्मेंस तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिल जाएगी, पर वीवो की वी सीरीज गेमिंग के लिए नहीं बनी होती। वी सीरीज यूजर को कंबाइंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराती है, मतलब कि डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, डिजाइन सभी चीजें आपको बिल्कुल अच्छी मिल जाएंगी। एंड गाइस, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इंडिया का पहला कलर चेंजिंग स्मार्टफोन है। सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा, और इस स्मार्टफोन का डिजाइन आईफोन 13 की डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करता है, मींस डिजाइन के मामले में काफी क्रेजी स्मार्टफोन है। अब इसके हाइलाइटेड स्पेक्स की बात करते हैं, तो गाइस इसके बैक में 64+8+2 megapixel का ट्रिपल कैमरा लगा है, और फ्रंट में आपको 50+8 megapixel का डुअल फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलेगा। और ये पहला स्मार्टफोन है जो 50 megapixel के फ्रंट सेल्फी कैमरे के साथ आता है, और इसके फ्रंट में आपको डुअल LED फ्लैश भी मिल जाएंगी। भाई कैमरा इस स्मार्टफोन का काफी तगड़ा है, इसके दोनों कैमरों से आप काफी हाई क्वालिटीज के फोटोज क्लिक कर सकते हो, और फिलहाल के टाइम पर इसकी टक्कर का कैमरा आपको किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी पावर की। 4200mAh की बैटरी है, और 44W का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा, और इसके 8GB की रैम और 128GB के स्टोरेज के लिए आपको 29,990 रुपए देने पड़ेंगे, और 12GB की बड़ी रैम और 256GB के बड़े स्टोरेज के लिए आपको कार्ड वगैरह अप्लाई करके 32,490 रुपए देने पड़ेंगे। और भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कहीं से कार्ड वगैरह अरेंज करें, उसके 12GB की रैम और 256GB के बड़े स्टोरेज वाले स्मार्टफोन को परचेज करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की। तो अगर आप गेमर हो और आपको एक ट्रिगर वाला गेमिंग फोन लेना है, देन आप लोग पोको F3 GT की तरफ जा सकते हो। ये गेमिंग फोन तो है ही, पर 30,000 के बजट में इस फोन के अंदर आपको 256GB का बड़ा स्टोरेज भी मिल जाता है, जो इस डिवाइस को और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेक्स की। 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली एमोलेड डिस्प्ले लगी है, 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट है, और 480 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, और इसकी डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलेगी। तो भाई डिस्प्ले तो इस स्मार्टफोन की काफी जबरदस्त है, गेमिंग के लिए भी डिस्प्ले काफी स्मूथ परफॉर्म करेगी, और क्वालिटी भी इसकी डिस्प्ले की काफी अच्छी है। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो डायमेंसिटी 1200 का चिपसेट लगा है जो दो ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, बट परफॉर्मेंस इस स्मार्टफोन की काफी अच्छी है। हाई टू हाई सेटिंग्स में इस स्मार्टफोन से आप किसी भी गेम को वेरी इजीली खेल पाओगे। चलिए अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फीचर्स की। तो ये स्मार्टफोन IP53 सर्टिफाइड है, यानी कि हल्के फुल के पानी और डस्ट से बच जाएगा, एंड इसमें आपको UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिलेगा, और इसमें अलग से गेमिंग ट्रिगर भी लगे हैं, और इस स्मार्टफोन में आपको स्टूडियो स्पीकर भी मिल जाएंगे, यानी कि फीचर्स तो इसमें आपको काफी कमाल के मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कैमरा की। तो इस स्मार्टफोन के
बैक में 64+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा लगा है और फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। भाई कैमरा इस स्मार्टफोन का ठीक ठाक है, ज्यादा सुप्रीम लेवल की क्वालिटी तो नहीं है कि एकदम से DSLR जैसी क्वालिटी मिलेगी। एक नॉर्मल सा कैमरा इस स्मार्टफोन के अंदर लगा है। 5065 mAh की बैटरी है और 67W का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा और इसके 8GB की रैम और 256GB के बड़े स्टोरेज के लिए आपको 31,000 रुपए देने पड़ेंगे। बट अगर आप लोगों के पास कार्ड है तब आप लोग इसी स्मार्टफोन को 29,500 की कीमत में आसानी से खरीद पाओगे। अब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको गेमिंग फोन तो लेना है पर उसमें स्नैपड्रैगन का चिपसेट होना चाहिए, देन अगर आपकी ये डिमांड है तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है और इसका नाम है iQOO 7 5G। ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन के पावरफुल चिपसेट पर आता है। चलिए बात करते हैं इसके स्पेक्स की। 6.6 इंच की फुल HD+ वाली एमोलेड डिस्प्ले है, 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट है। भाई डिस्प्ले क्वालिटी तो अच्छी है एंड स्मूथनेस भी जबरदस्त है। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। तो इसमें लगा है स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट। ये फोन सिर्फ 1 या 2 5G बैंड को सपोर्ट करता है बट परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको काफी जबरदस्त मिल जाएगी। किसी भी हाई ग्राफिक्स वाले गेम को इसी स्मार्टफोन से आप बड़ी आसानी से खेल पाओगे और ये स्मार्टफोन डुअल चिप टेक्नोलॉजी पर आने वाला पहला स्मार्टफोन है जिससे परफॉर्मेंस वाइज ये स्मार्टफोन और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। सिक्योरिटी के लिए इसमें आपको इन डिस्प्ले मिलेगा और 4400 mAh की बैटरी है और 66W का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। अब बात करते हैं कैमरा की। 48MP का ट्रिपल कैमरा लगा है और फ्रंट में आपको 16MP की सेल्फी मिलेगी। कैमरा इस स्मार्टफोन का काफी अच्छा है, लो लाइट एज वेल एज डे लाइट दोनों के अंदर आपको काफी अच्छी कैमरा परफॉर्मेंस मिल जाएगी और इस स्मार्टफोन का कैमरा Poco F3 GT से अच्छा परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं इसके रैम स्टोरेज की कि क्या कुछ आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। इसके 8/128 के लिए आपको 29,990 रुपए देने पड़ेंगे बट अगर आप लोग इसी स्मार्टफोन के टॉप वेरियंट को परचेज करते हो तो इसमें आप 3GB की रैम तक एक्सटेंड कर पाओगे। चलिए दोस्तों अब ये टाइम है सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करने का एंड अगर आपको एक प्रीमियम ब्रांड का स्मार्टफोन लेना है देन आप लोग परचेज कर सकते हो OnePlus Nord 2 को। इसका नाम सुनते ही आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये फोन तो पटाका है, ये कभी भी फट जाता है। तो भाई ये बात तो सही है कि OnePlus Nord 2 की काफी यूनिट ब्लास्ट हो चुकी है जिस वजह से लोगों का ट्रस्ट OnePlus पर थोड़ा कम हो गया है, पर अगर आपको अब भी OnePlus पर भरोसा है देन ऑफ कोर्स यार आप लोग परचेज कर सकते हो OnePlus Nord 2 को। इसमें 6.4 इंच की एमोलेड डिस्प्ले है, 90Hz का रिफ्रेश रेट है, डायमेंसिटी 1200 का चिपसेट और 50MP का ट्रिपल कैमरा इसके बैक में लगा है और फ्रंट में आपको 32MP की सेल्फी मिल जाएगी। भाई कैमरा इस स्मार्टफोन का उतना अच्छा नहीं है जितनी लोगों को उम्मीद थी, मतलब कि नॉर्मल सा कैमरा इस स्मार्टफोन के अंदर लगा है, ज्यादा हाई क्वालिटी की कैमरा परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। इसके 8/128 के लिए आपको पूरे 30,000 रुपए देने पड़ेंगे बट अगर आप लोगों को अब भी कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि कभी आप लोग इस स्मार्टफोन को ले लो और ये स्मार्टफोन फट जाए और आपके पैसे बर्बाद हो जाए तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो यार सोचना भी चाहिए क्योंकि 30,000 रुपए एक बड़ी अमाउंट है। तो अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को परचेज नहीं कर सकते और आपको ये स्मार्टफोन परचेज नहीं करना है तो मेरे पास आपके लिए एक ऑप्शन और है और इस ऑप्शन का नाम है Realme GT Neo 2। यार सच में ये स्मार्टफोन OnePlus Nord 2 से कई गुना अच्छा है पर कमी ये है कि ये फोन OnePlus की ब्रांडिंग पर नहीं आता और ये सच भी है। अगर ये स्मार्टफोन OnePlus की ब्रांडिंग पर आता तो इसी स्मार्टफोन का प्राइस लगभग 50 से 60 हजार होता और ये आप लोगों को अच्छे से पता है क्योंकि OnePlus के प्राइस हाई रहते हैं। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के स्पेक्स की। 6.2 इंच की फुल HD+ वाली एमोलेड डिस्प्ले है, 120Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट है और 600Hz का टच सैंपलिंग रेट। भाई डिस्प्ले तो इस स्मार्टफोन की काफी अच्छी है, काफी अच्छी स्मूथनेस की डिस्प्ले में आपको मिल जाएगी। स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट लगा है जो 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है और परफॉर्मेंस यहां पर आपको काफी लाजवाब मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं बैटरी की। तो इसमें 5000mAh की बैटरी लगी है और 65W का चार्जर आपको इन द बॉक्स मिल जाएगा। बात करें कैमरा की तो बैक में 64MP का ट्रिपल कैमरा है और फ्रंट में आपको 16MP की सेल्फी मिलेगी। गाइज कैमरा इस स्मार्टफोन का डिसेंट है, मतलब कि एवरेज परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं इसके रैम स्टोरेज की। तो इसके 8/128 के लिए आपको 32,000 रुपए देने पड़ेंगे बट अगर आप लोगों के पास कार्ड वगैरह है तब आप लोग इस स्मार्टफोन को 27,500 की कीमत में खरीद सकते हो। तो भाई ये थे 30,000 वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन जो आप लोगों को हर फील्ड के अंदर एक अच्छी परफॉर्मेंस का मजा देंगे। अब डिसीजन आप लोगों का है, आप लोग अपनी पसंद और बजट के हिसाब से इन पांचों में से किसी भी एक स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। अगर मुझे इन पांचों में से कोई एक स्मार्टफोन परचेज करना होता तो यार मैं परचेज करता Vivo V23 5G को, क्योंकि मेरे लिए सेल्फी और डिजाइन काफी ज्यादा मायने रखता है। आप लोग किस स्मार्टफोन को परचेज करोगे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर
आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के जय वंदे मातरम।